जी अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दिस इज देवशीष पांडे वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन एविडेंस मास्टर क्लास बच चुके हैं रात के 10 और आ गए हैं हम द 10 पीएम शो लेके जिसको अपन बोलते इस समय इंडियन एविडेंस एक्ट की मास्टर क्लास लेक्चर नंबर 12 कैसे आप लोग अ वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग एक दो दिन क्लासेस नहीं हो पाई थी आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा टेक्निकल इशू था स्टूडियो सेटअप की जरूरत थी इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ बट कोई बात नहीं देर आए दुरुस्त आए आज लेके आए सेक्शन सेक्शन नंबर नंबर को इंडियन एविडेंस एक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है और महत्वपूर्ण सेक्शन सेक्शन इसलिए है क्योंकि बेसिक बेसिक तो सब बात कर लेते हैं लेकिन जो इस की मेन बातें हैं उसको अक्सर लोग मिस कर दाते हैं तो आज के सेशन में बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे सेक्शन टेन को कैसे किसी भी कॉन्स्पिरेटर के द्वारा दिया गया कोई भी बयान कंडक्ट राइटिंग किसी और कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट यूज हो सकता है किस तरीके से वो रिलेवेंट होता है अंडर सेक्शन नंबर टेन तो कैसे आप लोग फटाफट से ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है फटाफट से बताइए वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सादर प्रणाम लॉरेंस जी मोहित जी राधे राधे शौर्या जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूं शानदार जबरदस्त जिंदाबाद फटाफट से बाकी लोग यस और नो ऑसम awesome ऑलवेज अक्षित जी ठीक है चलिए शुरू करें फिर कहानी को आ गए सब सर सब ठीक है चलिए ग्रेट आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर टेन की यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है देखो आप लोग ने सभी ने शायद जनरली पढ़ा होगा कि सेक्शन नंबर टेन क्या बोलता है आपने इसको समझा होगा सेक्शन नंबर टेन के कंटेक्स्ट में कि सर आ, अगर कोई कॉन्स्परेसी है और उसके केस में अगर कोई कॉन्स्परेटर कुछ भी कहता है बोलता है या लिखता है तो वो बाकी कॉन्स्परेटर्स के अगेंस्ट भी एक रिलेवेंट फैक्ट होता है ये बात सेक्शन टेन कहता है लेकिन सेक्शन टेन में बहुत सारी और चीजें हैं जो आपको समझनी है जो सामने तो नहीं लिखी हुई है बट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है जैसे इसका और क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी सेक्शन वन ट्वेंटी ए और जो पनिशेबल है IPC में उससे क्या डिफरेंस है सेक्शन टेन कॉन्सपेरेसी पे लागू होता है टॉर्ट के अंदर भी कोई कॉन्स्पेरेसी है तो उस पर भी लागू होता है सवाल ये आती है कि कॉन्स्पेरेसी शुरू होने से पहले या कॉन्स्पेरे शुरू होने, खत्म होने के बाद के जो स्टेटमेंट्स हैं क्या वो भी फेलो कॉन्स्पिरेटर्स रिलेवेंट होंगे ये भी एक सवाल है जिसको हमको एड्रेस करना है इसका मतलब कॉन्स्पिरेसी हुई उसके बाद सब अरेस्ट कर लिए गए और उसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने कोई बयान देता है तो क्या वो सेक्शन टेन में ही रिलेवेंट होगा या फिर वो थर्टी में जाएगा या बाकी आगे सेक्शन में जाएगा एक के साथ पढ़ा जाएगा उसके बाद एक सवाल यह भी आता है कि सर हम जनरल बात समझते हैं कि सेक्शन टेन में अगर कॉन्स्पेरेसी है तो कॉन्स्पेरेसी में

लेकिन हमारी क्लास में आने का फायदा क्या है? सर से पढ़ने का फायदा क्या? अगर अगर अपन ऐसे बट बिफोर तो। तो आपको बता दूं हमारा सेवन फाउंडेशन बैच जो आज से शुरू होने वाला था शुरू हो चुका है मतलब आजकल कुछ ओरिएंटेशन सेशंस हैं जो होंगे इस बैच में एडमिशन जो है वो 9 अक्टूबर तक किया जा सकता है तो 9 अक्टूबर तक आप इस इस बैच में जुड़ सकते हैं क्योंकि 9 अक्टूबर तक थोड़े ओरिएंटेशन क्लासेस होते हैं बैचेस को समझाया जाता है और यह सारी चीजें होती है तो प्रॉपर क्लासेस जो होती है वो नौ से ही शुरू होती है नौ के बाद दस से शुरू होंगी तो अगर अभी भी आपका मन है कि आपको फाउंडेशन बैच में हमारे साथ अपनी तैयारी को एक नया अंजाम देना है तो यूज करिए कोड डी और मैक्सिमम डिस्काउंट लेते हुए ज्वाइन करिए इस सेवन फाउंडेशन बैच में चलिए अब शुरू करते हैं कहानी सेक्शन नंबर टेन की तो सेक्शन नंबर टेन की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि कौन से एडिशनल पॉइंट भी हमको सेक्शन नंबर टेन में डील करने बट एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग से शुरू करते हैं कि सेक्शन नंबर टेन क्या कहता है ठीक है एक सेकेंड अंदर कैसे जाएगा चला गया अब ये पता नहीं क्या हो गया ओके ग्रेट आ गया ठीक है चलिए पढ़ते हैं सेक्शन टेन क्या कहता है थिंग्स डन सिंग सेड और डन

क्रिमिनल क्रॉन्स्पेरेसी की ये बात नहीं कर रहा है स्पेसिफिकली 120 ए 120 बी सीआरपीसी को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी डेल्ट है लेकिन कॉन्स्पेरेसी सिविल भी हो सकती है टॉट में भी हो सकती है कॉन्स्पेरेसी किसी एक्शनेबल रॉन्ग के अगेंस्ट भी हो सकती है कॉन्स्पिरेसी आपकी जो है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ के लिए भी हो सकती है जरूरी नहीं ऑफेंस के लिए ही हो तो बहुत सारी चीजें हैं तो यहां पे हर तरीके की कॉन्स्पिरेसी को कंसीडर किया गया सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को नहीं किया गया इसीलिए एक्शनेबल रॉन्ग के अगेंस्ट भी इसकी प्रोटेक्शन दी गई एनीथिंग सेट डन और रिटर्न अब तीन चीजें इंपॉर्टेंट है किसी ने कुछ कहा हो करा हो या लिखा हो बाई एनी वन ऑफ सच पर्सन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन आफ्टर द टाइम विच सच इंटेंशन वॉज फर्स्ट एंटरटेन by any of them is a relevant fact as against each of the person believed to be so conspiring kyunki upar kya kaha tha reasonable ground to believe isliye yahan pe kya likha hai believed to be so conspiring as well as for the purpose of proving the existence of conspiracy for the purpose of showing that any such person was party to it अब इस बात को समझने की जरूरत है Section 10 सरल भाषा में बिल्कुल ही सरल भाषा में एक बात कहता है कि अगर मैंने आपने मान लीजिए सिंपल भाषा में समझते हैं मैं हूं आप हैं और साथ में दो तीन लोग और हैं हम चार पांच लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी कि मान लीजिए हम किसी एक इंसान का मर्डर करेंगे और अल्टीमेटली उस कॉन्स्पिरेसी को हमने अंजाम दिया तो आप यहां पे समझिए कि इस कॉन्स्पिरेसी के कंटेक्सट में मैंने जो कुछ भी कहा मैंने जो कुछ भी किया या मैंने जो कुछ भी लिखा विद रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन मतलब हमारी कॉन्स्पिरेसी को अचीव करने के लिए वो सारी चीजें आपके अगेंस्ट या जितने भी हम तीन चार लोग इस कॉन्स्पिरेसी में थे उन सबके अगेंस्ट यूज की जा सकती है एज अ रिलिवेंट फैक्ट इसका यह मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ देखो कॉन्सपरेसी का, क्या है? और ये जो 10 का है, इसको समझते हैं तो नहीं तो आप इंडियन पीनल कोड में भी इसको पढ़ोगे ब्यूटीफुल टी शर्ट सर नाइस कलर थैंक यू बलविंदर जी देखिए अब आप बात समझिए कि क्या कहता है एजेंसी का कंसेप्ट एजेंसी का कंसेप्ट सिंपल है कि अगर कॉन्स्पिरेटर कोई एक कॉन्स

तो वो बाकी सारे कॉन्सपरेटर्स के अगेंस्ट एक रिलेवेंट फैक्ट है मतलब उस कॉन्स्पेरेसी को प्रूव करना उनकी जो गिल्ट है उनका जो ऑफेंस उन्होंने किया उनकी जो कल्पेबिलिटी है उसको प्रूव करने के लिए आप मेरा स्टेटमेंट बाकी लोगों के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं ये बात जो है आपका सेक्शन नंबर टेन कहता है दिस इज बेस्ड ऑन द डॉक्टर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये आपको पता है टू और मोर पर्सन एंटर्ड इन टू अन्सपेरे दैट दे हैव अग्रीड For representation to each other. तो भैया टेशन आप समझ गए कॉन्स्पिरेसी आप समझ गए तो बेसिक तो चीज समझ में आती है मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है कि सर क्या हो रहा है कॉन्स्परेसी में तो ये बात तो समझ में आई आप देखो पहली बात तो ये 120 ट्वेंटी ए और बी की कॉन्स्पिरेसी से अलग है ट्वेंटी ए में जब आप आईपीसी में पढ़ते हो तब है वो बात करता है ऑफेंस की प्रोहिबिटेड बाई लॉ की और सिविल रॉन्ग की जिसमें कि ऑफेंस की अगर आप कॉन्स्पेरेसी करते हो तो मेयर प्रिपरेशन इज एन ऑफेंस और बाकियों में एनी एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन जरूरी होता है ठीक है तो वो एक अलग कॉन्स्पेरे थी यहां पे जो कॉन्स्पेरेसी है दैट इज लिमिटेड टू एनी अग्रीमेंट टू डू एनी ऑफेंस और एनी अदर एक्शनेबल रॉन्ग जिसके लिए भी कोई रेमेडी अवेलेबल है उस तरह के रॉन्ग को करने के लिए अगर आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो तो जो आपके स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट होंगे ठीक है राइट right. अब इसको समझते हैं कि क्या इसमें और बा, महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें हमें समझनी है सेक्शन टेन में एक चीज तो पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये है एक सेकंड रुकेगा कि ये तो बात आपको समझ में आ गई कि सर जो कॉन्स्पिरेसी है एक सेकंड हा Tools. ये ग्रीन ग्रीन कलर मुझे नहीं अच्छा लगता है ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन सही है चलिए अब देखो सिंपल बात यहां ये क्या समझाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए ए है और बी है मान लीजिए ए और बी ने कोई भी चीज कंस्पायर करी ठीक है कंस्पायर करी मतलब यहां पे इनका जो अग्रीमेंट था टू डू एनी ऑफेंस या फिर एक्शनेबल रॉन्ग ये यहां पर स्टार्ट हो गया कंस्पायर हो गया अब इस कंस्पाय कंस्परेसी होने के बाद इनके साथ सी जुड़ा सी के बाद डी जुड़ा और अल्टीमेटली फिर इन्होंने ऑफेंस को या एक्शनेबल रॉन्ग को अंजाम दिया ऑफेंस या एक्शनेबल रॉन्ग को अंजाम दिया को अंजाम दिया अब इस केस में तो सिंपल है लॉ सिंपल बोलता है कि इन सबके द्वारा जो भी कहा गया है ए के द्वारा अगर कोई भी चीज सेड है रिटर्न है या डन है डन मतलब कंडक्ट के तरीके से एडमिशन हो सकते हैं सेइंग कंडक्ट हो सकता है जो भी उनका जिससे हम देखते हैं वट एवर हैज बीन डन बाय द तो कहने का मतलब है ए ने जो कुछ भी कहा सुन कहा करा या लिखा वो बी के अगेंस्ट सी के अगेंस्ट और डी के अगेंस्ट एक रिलेवेंट फैक्ट होता है ये बात तो आपको सरल समझ में आ गई सर बहुत दिक्कत होती होगी आपको ऐसा बोर्ड यूज करते टाइम नहीं बिल्कुल नहीं होती आई एम यूज टू इट लेकिन मेरा सवाल कुछ और है एक बार समझिएगा जहां तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं ये तो एक सिंपल इलस्ट्रेशन है ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल है कि सर ये हुआ ए और बी और सी और डी चारों एक कॉन्स्पेरेसी करते हैं तो चारों की जो स्टेटमेंट्स हैं चारों का जो कंडक्ट है वो एक दूसरे के अगेंस्ट रिलेवेंट है ये बात तो समझ में आती है उसमें इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है लेकिन मेरा सवाल ये है मेरा सवाल ये है कि इस सवाल को याद रखना इसको हम लास्ट में फिर से कनेक्ट करेंगे कि मान लीजिए ए और बी ने मिलकर कंस्पायर किया ए और बी ने मिलकर कंस्पायर किया उसके बाद सी आके जुड़ा उसके बाद डी आके जुड़ा उसके बाद क्या हुआ सी लेफ्ट उसके बाद सी लेफ्ट द कॉन्स्पिरेसी उसके बाद डी ऑल्सो लेफ्ट द कॉन्स्पेरेसी बेसिकली ये जी एस के मेंस का क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूं क्योंकि मुझे लगा कि अगर सेक्शन टेन पढ़ रहे हैं तो अपने को इसको भी पढ़ना चाहिए यहां पे देखना जरा क्या कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर एक कॉन्स्पेरेसी ड्रॉ की उस कॉन्स्पेरेसी में सी जुड़ गया उसके बाद डी जुड़ गया उसके बाद सी लेफ्ट एंड उसके बाद डी ऑल्सो लेफ्ट सी और D इस को छोड़ के चले गए उसके बाद A और B ने ऑफेंस कमिट किया तो अब सवाल यह है कि C और D के द्वारा इस ट्रांजैक्शन में जो बातें कही गई थी क्या वो A और बी के अगेंस्ट यूज की जा सकती हैं सवाल समझ में आया आपको किसी को सवाल समझ में आया जो मैं यहां पहुंचाना चाह रहा हूं आपको जहां तक देखो यह बात तो समझ में आई गई ना कि कॉन्स्पिरेसी में जितने भी लोग हैं उसमें से कोई भी कुछ भी बोल रहा है कर रहा है तो सारे कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट वो रिलेवेंट फैक्ट होगा यह बात तो समझ में आई गई ना यह बात तो सेक्शन टेन में सरल भाषा में लिखी हुई है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि ए बी सी डी चारों ने कंस्पायर किया चारों ने कोई ऑफेंस किया या एक्शनेबल रॉन्ग किया तो तो ठीक है ए के कोई भी स्टेटमेंट है बी के कोई भी स्टेटमेंट है सी के कोई भी है डी के कोई भी है सब आपस में एक दूसरे के प्रति यूज हो जाएंगे लेकिन सवाल यह है कि क्या ए और बी ने कॉन्स्पिरसी की फिर सी ज्वाइन किया फिर डी ज्वाइन किया उसके बाद सी और डी चले गए उसके बाद भी क्या इनके जो स्टेटमेंट है सी और डी के वो सेक्शन टेन में रिलेवेंट होंगे ये हमारा सवाल है उसके बाद दूसरा सवाल क्या है समझना ये तो एक सवाल हो गया अब दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए ए ने कॉन्स्पिरेसी की बी के साथ और सी के साथ तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है इसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक वैलिड होंगे इसका ये मतलब है कि जो हमारी सेक्शन टेन की चेन है वो कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी इसका मतलब कॉन्स्पेरेसी शुरू होने से पहले के स्टेटमेंट क्या रिलेवेंट होंगे तो इसका तो जवाब है नहीं है जब तक कॉन्स्पेरेसी शुरू नहीं हुए तब तक ए ने कुछ भी बात की मान लीजिए ए ए ने ए बी और सी कंस्पायर करते हैं जेड को मारने के लिए ठीक है जेड को मर्डर करने के लिए लेकिन जब इन्होंने कॉन्स्परेसी की इससे पहले कॉन्स्पिरसी होने से पहले ए ने जेड के बारे में पूछताछ की ए जेड से मिलने गया ए ने जेड की रेकी की तब तक उसके दिमाग में नहीं था कॉमन इंटेंशन कि इसको मारना है उसके बाद एक दिन ये दोनों मिले तब ये बात हुई यार इसको मारते हैं को फिर सी भी मिल गया हाँ जेड को मारते हैं और फिर इन्होंने जो कुछ एक्ट किया वो तो हमारा सेक्शन में रेलेवेंट होगा उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरा सवाल है कि जो कॉमन इंटेंशन इनके बीच में पहली बार आई उससे पहले के जो स्टेटमेंट है क्या वो भी सेक्शन टेन में रेलिवेंट होंगे ठीक है तो लॉ कहता है कि ऐसा नहीं है फौजिया जी आपका जवाब गलत है ये जो क्वेश्चन था इसको हम लास्ट में इसका आंसर देंगे मैं आपके अभी सिर्फ कनेक्शन बनाना चाहता हूं कि आपको समझ में आए हम किस कंटेक्सट में पढ़ रहे हैं इस सवाल का जवाब होगा कि सी और डी के स्टेटमेंट सेक्शन टेन में रेलिवेंट नहीं होंगे किसी और सेक्शन में होंगे लेकिन सेक्शन टेन में नहीं होंगे ये डीजेएस का सवाल है इसलिए मैं लेके आया था अब आप मेरी बात सुनिए कि एक कंटेक्सट तो ये हो गया कि सर ये जो दूसरा पॉइंट अपन ने निकाला बल्कि तीसरा पॉइंट वो ये था कि अगर ए बी और सी की कॉन्स्परेसी है तो उनके जो कॉमन इंटेंशन है वो बनने से पहले के स्टेटमेंट क्या रिलेवेंट होंगे तो सेक्शन टेन बात पे बिल्कुल क्लियर है कि सेक्शन टेन के अंदर कॉमन इंटेंशन आने से पहले के कोई भी स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं होंगे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो ये तीसरे पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अब एक चौथा पॉइंट देखते हैं अब एक चौथा पॉइंट देखते हैं चौथा पॉइंट क्या कहता है कि मान लीजिए ए बी और सी ने एक साथ कंस्पायर किया ए बी और सी ने एक साथ कंस्पायर किया और उसके बाद इन्होंने ऑफेंस भी कमिट कर दिया ऑफेंस कमिट करने के बाद इन तीनों की अरेस्टिंग हो गई इसमें से बी ने मैजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट दिया स्टेटमेंट दिया तो क्या ये दोनों के अगेंस्ट रिलेवेंट होगा ये सवाल है या फिर इसको और बेहतर करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि ए बी सी ने कंस्पायर किया और अल्टीमेटली कोई ऑफेंस कंडक्ट किया ऑफेंस करने के बाद ए अपने घर गया और इसने एक कन्फेशन किया इसने एक कन्फेशन किया कि मैंने जेड को मार दिया है कॉन्सपिरेसी खत्म हो गई ऑफेंस हो गया उसके बाद क्या किया गया कन्फेशन जो है ए के द्वारा वो बी और सी के अगेंस्ट यूज हो सकता है इसका मतलब अगर हम अपने पूरे डिस्कशन को नैरो डाउन करें तो हमने देखा कि ये ऐसे लाइन जा रही है इसमें ये है हमारा मेन कॉन्सपिरेसी ये है कॉन्सपिरेसी ठीक है ये है प्रायर प्रायर टू फॉर्मिंग द इंटेंशन ठीक है और दूसरा है ये आफ्टर आफ्टर द हैज एंडेड एंडिंग तो कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो रेलिवेंट होंगे ये हमारा सवाल है तो सर ये वाले स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं होंगे ये वाले स्टेटमेंट रेलिवेंट होंगे और ये वाले स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं होंगे तो आपको ये समझना है कि जब भी हम सेक्शन टेन में कॉन्स्पेरे की बात करते हैं तो सर कॉन्स्परेसी शुरू होने से पहले जब भी कॉमन इंटेंशन किसी भी इंसान की डेवलप हुई थी उससे पहले के जो भी स्टेटमेंट है वो सेक्शन टेन में रिलेवेंट नहीं होंगे इस बात को आप याद कर लीजिए कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गई है ऑफेंस कंडक्ट हो गया है या कॉन्स्पिरेसी डेड हो गई है उसमें कुछ भी नहीं किया जा रहा है तो इन दैट केस उसके बाद कई बार ऐसा होगा कि किसी ने कॉन्स्पिरेसी हो गई ऑफेंस हो गया उसके बाद उसने कोई कन्फेशन कर दिया जाके तो क्या ये कन्फेशन बाकी लोग के अगेंस्ट यूज हो सकता है नहीं हो सकता है अरेस्ट कर लिया गया मैजिस्ट्रेट को कोई बयान दिया गया पुलिस को कोई बयान दिया गया आफ्टर द कॉन्स्पिरसी एज एंडेड तो वो बाकियों के अगेंस्ट सेक्शन टेन में रिलेवेंट नहीं होगा थर्टी में वन थर्टी थ्री में अलग चीज है लेकिन सेक्शन टेन में वो रिलेवेंट नहीं होगा तो सर ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं सेक्शन टेन की रिलेवेंसी की बात करते हैं तो जो स्टेटमेंट कॉन्स्पिरसी पहले दिन जहां से इनकर हुई है और जहां तक चल रही है उसी के बीच के स्टेटमेंट्स को रिलेवेंट माना गया है उससे प्रायर और उसके पोस्ट को रिलेवेंट नहीं माना गया समझ में आ गया अब अगला सवाल आपके सामने आना चाहिए कि सर इसमें भी कौन से ये तो समझ में आ गया कि सिर्फ कॉन्स्पिरेसी इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो ये है कि कोई भी चीज जो बोली लिखी या करी गई है दैट शुड बी विद रेफरेंस टू द कॉमन डिजाइन या कॉमन इंटेंशन कॉमन इंटेंशन इसका मतलब अगर पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम किया जाता है वाइल्ड द कॉन्स्पेरेसी इज स्टिल गोइंग ऑन तो वो भी जो है वो रिलेवेंट नहीं होता है तो यहां पे ये बात भी आपको याद रखनी है कि अगर कॉन्स्परेसी चल भी रही है लेकिन ड्यूरिंग द कॉन्स्पेरेसी भी अगर इन फर्दरेंस टू द कॉमन इंटेंशन कोई भी काम नहीं है और आदमी का पर्सनल काम है या हमारी कॉमन इंटेंशन को अचीव करता हुआ काम नहीं है तो वो भी रेलेवेंट नहीं होगा ये पांच ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको सेक्शन टेन की जो जिस्ट है या सेक्शन टेन का जो लॉजिक है वो समझाते हैं तो आई होप यहां तक आपको एक पिक्चर क्लियर हुई होगी क्या हम पढ़ने वाले हैं। एक बार येस और नो बोल दो वीडियो को लाइक कर दो समझ में आ गया समझ में आ गई ये पांचों चीजें समझ में आ गई एक दो तीन चार पांच ठीक है पांचों चीजें समझ में आ गई दैट ब्रिंग्स अस टू पीपीटी दैट ब्रिंग्स अस टू पीपीटी ठीक है चलो अब समझते हैं सेक्शन को सेक्शन एट को पहले सेक्शन टेन को सॉरी यहां तक की बात समझ में आ गई अब सेक्शन टेन को समझते हैं सेक्शन टेन क्या कहता है सेक्शन टेन सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया कि अगर अगर कोई भी प्राइमा फेसाई प्रूफ है कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कोई भी कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो किसी भी एक इंसान के द्वारा कुछ भी कहा गया करा गया या लिखा गया सेड डन और रिटर्न तो वो बाकी सारे कॉन्स्पिरेटर्सेंट यूज होगा यह बात कहता है सेक्शन टेन लेकिन सेक्शन टेन को अप्लाई करने के लिए तीन ऐसे असेंशियल जब वो फुलफिल होंगे तभी सेक्शन टेन माना जाएगा कि अप्लाई होगा क्या क्या पहला क्या है दे आर मस्ट भी पहला क्या है देर मस्ट बी अ प्राइमा फेसाई एविडेंस अफोर्डिंग अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर अ कोर्ट टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन है व बीन द मेम्बर्स ऑफ द कॉन्स्परेसी तो पहला अगर सेक्शन टेन आपको अप्लाई करना है इसका कहने का मतलब है मेरी बच्चों बहुत ध्यान से समझो जब भी आप आंसर लिखो ना तो इसी तरीके से लिखो अगर आप एक जज हो

क्लूसिवली कॉन्स्पेरे प्रूव नहीं होनी चाहिए मतलब सामने वाला पार्टी यह कह सकता है कि अभी तो कॉन्स्पिरसी प्रूव नहीं हुई है अगर कॉन्स्परेसी प्रूव नहीं हुई है तो हम इसको रिलेवेंट नहीं बना सकते लेकिन सेक्शन टेन का एप्लीकेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रूविंग कॉन्सपिरेसी बट अ प्राइमा फैसा एविडेंस ऐसा लगे बाकी एक्ट्स को बाकी स्टेटमेंट्स को बाकी कंडक्ट को देख के कि ये लोग conspiracy में थे मिर्जा अकबर का लैंडमार्क केस है दो ऐसे केस केसलो हैं सेक्शन टेन में जो आपको पूरा सेक्शन टेन समझाते हैं उन दोनों केस लॉज को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ पॉइंट समझते जाओ ये सारे पॉइंट मैं उससे कनेक्ट करूंगा उन जजमेंट से ठीक है अब दूसरा देखो एनी थिंग सेड डन और रिटर्न तीन की वर्ड है यही मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि जब आप सेक्शन लिखते हो तो आपको यह याद रखना है कि आपके कीवर्ड्स क्या है अगर आपके पास सेक्शन टेन का आंसर आंसर लिखने को आया सेक्शन टेन का अब वो चार नंबर का है दस नंबर का है बीस नंबर का है आपको सबसे पहले तो यह बताना है कि सर सेक्शन टेन की तीन रिक्वायरमेंट है पहली रिक्वायरमेंट है प्राइम कॉन्सपिरेसी होनी चाहिए दूसरा है एनीथिंग सेड डन और अब आप ये नहीं लिखोगे और सिर्फ सेड लिख के आ जाओगे एनीथिंग डन बाई द कॉन्सपिरेटर या सेड और रिटर्न नहीं लिखोगे और अगर आप रिटर्न वर्ड का यूज नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आप समझोगे कि आपको नंबर कम मिलेंगे फिर आपको लगेगा सर सब कुछ तो लिखा था बट इंपॉर्टेंट है कि हर एक वर्ड का यहां पे अपना रोल है तो सेड डन और रिटर्न बाई एनी वन ऑफ द सच कॉन्स्पिरेटर मस्ट बी इन रेफरेंस टू देर कॉमन इंटेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कुछ भी कहा हो ये भी अभी हम आगे जजमेंट के मदद से समझेंगे एग्जाम्पल जजमेंट के मदद से मिलेगा कि सर ये तो महत्वपूर्ण है पहली महत्वपूर्ण चीज है कि प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए कंस्पिरेसी का लगना चाहिए कि कंस्पिरेसी थी दूसरा कुछ भी कहा गया है लिखा गया है या करा गया है एंड दैट मस्ट बी विद रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन अगर हम तीनों ने कोई चीज कंस्पायर करी और मैंने कुछ भी ऐसा बोला जो कि हमारी कॉमन इंटेंशन को अचीव करने के लिए नहीं था बट मेरी पर्सनल कैपेसिटी में था तो दैट विल नॉट बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन टेन तो आप चेक करोगे कि जो भी स्टेटमेंट सामने वाली पार्टी प्रूव करने जा रही है वो विद रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन था या नहीं था उसके बाद सच एक्ट और स्टेटमेंट और राइटिंग मस्ट बी मेड आफ्टर द टाइम वेन सच इंटेंशन वॉज फर्स्ट एंटरटेन पहली बार जब इंटेंशन आई उसके बाद होना चाहिए तो यह बात अपन ने पहले ही समझ ली कि कॉन्स्पिरेसी के पहले के स्टेटमेंट जो होंगे वो रिलेवेंट नहीं होंगे कॉन्स्परेसी खत्म होने के बाद के स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं होंगे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी के कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में दिए गए स्टेटमेंट जो होंगे वो रिलेवेंट होंगे बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो सेक्शन टेन समझ में आ गया और ऐसा आंसर लिख के आओगे ना बाई गॉड अगर दस नंबर का भी जाए और जितने ये तीन असेंशियल लिखो दो लॉ लिखो और उधर जो पॉइंट्स बताया मैंने वो लिख दो अगर एक भी नंबर पूरे देश में तुम्हारा कोई कार्ड ले तो तुम फिर मुझसे बताना ठीक है चलो अब देखो ये सब ठीक है अब केस ही समझते हैं सीधे ठीक है केस समझते हैं एक तो ये था आर वर्सेस ब्लेक का केस इन दिस केस ब्लेक एंड टायर ये, ये एक इंपॉर्टेंट केस है ये इंग्लिश लॉ का केस है जिसने जो सेक्शन टेन को है वो हमें समझाया ये जो Blake, आर वर्सेस ब्लेक का केस है ये बेस्ड है उस बात पे जो मैंने अभी तक आपको समझाई कि सर स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन ही होने चाहिए अगर स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन नहीं है तो भले ही वो कॉन्स्पिरेसी के द्वारा ड्यूरिंग कॉन्स्पिरेसी दिए गए बट वो रिलिवेंट नहीं होंगे इस केस को पढ़ो क्या कहता है ये जो दो लोग थे ब्लैक और टाई ए और बी मानो यार तुम बेकार का चक्कर में ना पड़ो ए और बी ये दो लोग थे ये कॉन्स्पिरेसी से चार्ज थे टू डिफ्रॉड देयर कस्टमर्स बाई पासिंग गुड्स विदाउट पेइंग ड्यूटी मतलब इन दोनों के ऊपर चार्ज था कि इन दोनों ने कंस्पायर करके लोगों को जो गुड्स दिए थे उस पर ड्यूटी चुराई थी तो फ्रॉड किया था अब ये जो बी था मेड सर्टेन एंट्रीज इन टू बुक्स इस बी ने दो बुक्स में दो बुक्स में एंट्री करी थी वन ऑफ देम वॉज यूज फॉर कैरिंग आउट फ्रॉड एंड द अदर फॉर हिस प्राइवेट रिकॉर्ड इट वॉज हेल्ड एट द एंट्रीज इन द फॉर्मर वन वॉज एडमिसेबल अगेंस्ट ब्लैक बट नॉट द लेटर वन द कोर्ट हेल्ड द एविडेंस ऑफ द फॉर्मर एंट्री वॉज क्लियरली रिसीवेबल एज द एंट्री मीज एंड इट कुड हैव बीन प्रूव द कोर्ट फॉर्डर स्टेटमेंट वन कॉन्सपेरेटर इज नॉट नेसेसरी नॉट एविडेंस ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं एविडेंस ऑफ एन एक्ट रिलेवेंट अगेंस्ट अनदर कॉन्सपेसी ठीक है मैं समझाता हूँ इससे तुम लोग को समझ में आएगा नहीं बेकार में परेशान हो गए अब देखो क्या हुआ है इस केस में आर वर्सेस ब्लेक के, के केस में क्या हुआ है समझो आर वर्सेस ब्लेक के, के केस में क्या हुआ है समझो मान लेते हैं ए और बी थे इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि ये अपने कस्टमर्स को फ्रॉड करेंगे ठीक है कोई भी ड्यूटी वटी चुरा के इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये कॉन्सपिरेसी करके फ्रॉड करेंगे अब जो बी था उसने दो रजिस्टर्स बनाए एक रजिस्टर जो उसका था उसमें तो जो रजिस्टर था वो इसलिए बनाया गया कि कस्टमर्स को फ्रॉड किया जा सके और जो दूसरा रजिस्टर था उसमें उसने एंट्रीज की दैट वॉज हिज फॉर हिज प्राइवेट नॉलेज या समझ लो उसने अपना एक प्राइवेट रिकॉर्ड बना लिया कि भाई हमने कैसे लोगों को पागल बनाया है इसका हम एक रिकॉर्ड बना लेते हैं तो कल को कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको कर लेंगे नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोर्ट ने कहा कि ये वाला रजिस्टर तो सेक्शन में रिलेवेंट है, लेकिन ये वाला रजिस्टर रिलेवेंट नहीं है क्योंकि बी के द्वारा जो ये फर्स्ट रजिस्टर बनाया गया था ये किस लिए था दिस वॉज टू अचीव द कॉमन इंटेंशन ये था इन रेफरेंस टू अचीव द कॉमन इंटेंशन लेकिन ये सेकेंड रजिस्टर था ये भले ही ड्यूरिंग कॉन्स्परेसी था भले ही ड्यूरिंग कॉन्स्पिरेसी था बट इट वॉज फॉर हिज प्राइवेट रिकॉर्ड एंड नॉट इन फर्दरेंस टू द कॉमन इंटेंशन तो आर वर्सेज ब्लेक का केस इसीलिए इंपॉर्टेंट है ठीक है इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पे समझना कि जो बात मैं कह रहा था केस समझ में आया यार बहुत ही तगड़ा कंटेंट दे रहा हूं यस yes, नो no, तो लिख दो यार इतना तो लिख दो मजा आया सेक्शन टेन तुम जिसने भी पढ़ाओ उससे ये जाके चार सवाल पूछ लेना जो मैं लास्ट में सॉल्व करके दूंगा तुम और उसके बाद चार सवालों का सामने वाला जवाब दे दे तो मुझे बताना आर वर्सेस ब्लेक के मुकदमे में समझ में यह आता है कि सर कॉमन आप समझो कॉन्स्पिरेसी के द्वारा कॉन्स्पिरेसी के दौरान कॉन्स्पिरेसी के दौरान दिए गए स्टेटमेंट रेलेवेंट है लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट दैट दो स्टेटमेंट शुड बी इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन अगर कॉमन इंटेंशन को अचीव करने के लिए स्टेटमेंट नहीं दिए कॉमन इंटेंशन को रिसीव करने के लिए स्टेटमेंट नहीं दिया तो वो रिलेवेंट नहीं होंगे और आर वर्सेस ब्लेक का सबसे लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें उसने दो रजिस्टर बनाए एक रजिस्टर कॉमन इंटेंशन को अचीव करने के लिए था और दूसरा रजिस्टर तो हैं जो, है। और ये जो दूसरा वाला रजिस्टर है ये अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में हुआ तो इसका ये मतलब भी हुआ कि अगर हम सरल भाषा में इसके एग्जांपल को समझे तो मैंने और आपने मिलकर एक इंसान को मारने के कंस्पायर किया अब मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मान लीजिए कुछ ऐसा काम करता हूं जो अदर देन दिस होता है मान लीजिए मैं चोरी करता हूं जाके उसके बाद लेकिन चोरी मैं जो भी कर रहा हूं वो उसको मारने के लिए नहीं कर रहा हूं तो चोरी जो की मैंने वो हमारे केस में रिलेवेंट नहीं है हालांकि ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरसी ही हो रही है लेकिन जब आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है ना 24 घंटे आप सिर्फ कॉन्स्पिरेसी का ही काम कर रहे हो कुछ और भी काम कर सकते हो अपनी दिनचर्या भी कर सकते हो मान लो मैं रात को 11 बजे क्लास खत्म होने के बाद करता हूं किसी को मारने की तो मैंने जो क्लास ली वो रिलिवेंट नहीं होगी हुई कॉन्स्पिरेसी के ही दौरान है बट दिस क्लास इज नॉट इन फर्दरेंस टू अचीव द कॉमन इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग समन समझ में आया येस और नो तो दैट इज वॉट इज द पॉइंट तो ये बात समझ में आ गई सबको किसी को डाउट नहीं है अब इसमें किसी को डाउट नहीं है तो यह बात समझ में आ गई सर कि यह जो दूसरा एसेंशियल था पहला तो आपको समझ ही में आ गया कि रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि होनी चाहिए और दूसरा एनीथिंग सेड डन और एनी बाय एनी सच कॉन्सरेटर मस्ट बी विद रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन कॉमन इंटेंशन और उसके बाद तुम्हारा यह आता है कि सच स्टेटमेंट मस्ट बी आफ्टर द टाइम वेन सच पर्सन हैज एंटरटेन एनी वन ऑफ देम अब इसमें केस आता है मिर्जा अकबर का ये सबसे महत्वपूर्ण केस है जिसने यह सारी चीजें बताई हैं मिर्जा अकबर वर्सेस एम्पर का केस अब मिर्जा अकबर एम्पर का केस समझते हैं क्या था पूरा केस समझा रहा हूं मैं आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है मिर्जा अकबर वर्सेस एम्पर ठीक है अब इसमें कौन क्या था उसके नाम पे मत जाना नाम में अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा एक हस्बैंड था एक वाइफ थी ठीक है इस वाइफ का अफेयर था इस वाइफ का क्या था अफेयर था एक दूसरे इंसान से पर्सन वन इसका अफेयर इसके साथ था ठीक है इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन थे लेटर्स के माध्यम से लेटर्स के माध्यम से इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस थे कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये लोग कह रहे थे कि कैसे इस हसबेंड को रस्ते से हटाया जाए या कैसे इस हस्बैंड को मारा जाए यहाँ तक कि इनके लेटर्स में ये भी बात हुई थी कि हम लोग पैसा इकट्ठा करके हम लोग पैसा इकट्ठा करके एक शार्प शूटर को एक शार्प शूटर को शार्प शूटर ही वर्ड लिखा है मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ शार्प शूटर को हायर करते हैं और उससे एच को मरवा देते हैं ये सब इनका ऑफिशियल कम्युनिकेशन था लेटर्स में अब क्या हुआ इसके बाद इसके बाद इन्होंने वही किया जो होना था मतलब एक शार्प शूटर को हायर किया गया जो शार्प शूटर था उसका नाम एस था और उसने एच वन को मार दिया अब यहाँ पे सवाल यही आया कि भाई ये जो कॉन्स्परेसी थी ये इन दोनों के बीच में जो थी वो हमारे लेटर्स के थ्रू हो रही है ठीक है लेटर्स के थ्रू हो रही है और जो भी चीजें पहली बार जब इन्होंने डिसाइड किया कि ये एच को रास्ते से निकालना चाहते हैं या इन दोनों के बीच में प्यार है तब से लेकर जितने भी लेटर्स थे वो सारे रिलेवेंट होंगे लेकिन सवाल ये आया कि जो थर्ड पर्सन है बेचारा इसको तो कुछ पता ही नहीं था इसका तो कोई मोटिव ही नहीं था इसका तो कोई मोटिव ही नहीं था इसको तो सीधा पैसा मिल रहा था देखो किसी और प्रोविजन में तो ये लाइबल होगा ही किसी ना किसी प्रोविजन में मर्डर तो किया ही है इसने वो कोई बात नहीं है लेकिन बात यहाँ पे सेक्शन टेन की रेलेवेंस की थी यहाँ पे ये समझाया गया था कि जितने भी लेटर्स जितने भी लेटर्स इन दोनों के बीच में थे दैट ऑल वर द पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी और वो रिलेवेंट थे ठीक है और वो रिलेवेंट थे इन ऑर्डर टू प्रूव हिज कॉन्स्पेरेसी एज वेल जब इन्होंने ये बात डिस्कस करी कि सर हमें एक शार्प शूटर रखना चाहिए जो कि जो कि इसको मार देगा तो इसके ये जो स्टेटमेंट्स थे ये भी रिलेवेंट किए गए इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ही हैज एक्चुअली किल्ड हिम इस चीज को प्रूव करने के लिए तो कहने का मतलब इसमें एक और पॉइंट डील किया गया था जो कि मतलब रेशियो तो नहीं था लेकिन अलग से डील किया गया था जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था जो हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था वो भी एक सेकेंड यार अरे यार ये क्या हो रहा है सॉरी 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 बस हाँ ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा सेकेंड नंबर वाला ये भी जो है मिर्जा अकबर के केस में ही डेल्ट किया गया था कि अगर दो लोगों ने कंस्पायर किया मेरी बात ध्यान से सुनना ये क्रक्स है और ये सबसे महत्वपूर्ण है डीजीएस मेंस में आया हुआ सवाल है ध्यान से सुनिएगा सवाल यहां पे ये है कि और हाँ हाँ देखो मिर्जा गालिब ने ब्लेक वाले केस को अपहेल्ड किया था और यही माना गया था कि सेक्शन टेन में ये सारे स्टेटमेंट रिलेवेंट होंगे कॉन्स्पेरेसी जब से स्टार्ट हुई है तब से जो कुछ भी बोला गया सब कुछ रिलेवेंट होगा और अगेंस्ट द थर्ड पर्सन उसकी आ, क्या नाम है उसने शूटर ने मारा इसके लिए भी रिलेवेंट होगा एक चीज़ और इसमें डिस्कस की गई जो ये हमारा इलस्ट्रेशन था ये भी मिर्जा आ, इसके मिर्जा वाले केस में डिस्कस हुआ सुनना इसको इसमें सवाल ये था कि जैसे मैंने और आपने मिलकर के कॉन्स्पेरेसी स्टार्ट करी और उसके बाद मान लीजिए एक तीसरा इंसान हमारी कॉन्स्परेसी में जुड़ा और उसके बाद एक चौथा इंसान हमारी कॉन्स्परेसी में जुड़ा और उसके बाद ये जो तीसरा और चौथा था इन्होंने कॉन्स्परेसी छोड़ दी लेकिन हम दोनों ने मिलकर कॉन्सपेरेसी को अंजाम दिया तो क्या इन दोनों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स इन दोनों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट हम दोनों के अगेंस्ट रिलेवेंट होंगे मतलब ए और बी ने कॉन्स्पेरेसी अगर स्टार्ट की है ए और बी ने कॉन्स्पेरेसी स्टार्ट की सी ज्वाइंड डी ज्वाइंड देन सी लेफ्ट देन डी लेफ्ट एंड अल्टीमेटली ए एंड बी कमिटेड द ऑफेंस तो कैन द स्टेटमेंट ऑफ सी एंड डी बी यूज अगेंस्ट बी तो कोर्ट ने इस बात को समझाया कि बेटा सेक्शन टेन में सेक्शन टेन के अंदर इनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो एडमिसिबल नहीं होंगे इनके जो स्टेटमेंट है वो सेक्शन सिक्स में एडमिसिबल हो सकते हैं सेक्शन थर्टी में हो सकते हैं रेड विद वन थर्टी थ्री लेकिन सेक्शन टेन में नहीं होंगे क्योंकि सेक्शन टेन में अगर इन्होंने कॉन्स्पेरेसी को छोड़ दिया है तो दे नो मोर रिमेन अ कॉन्स्परेटर विद रेफरेंस टू सेक्शन टेन क्योंकि सेक्शन टेन एजेंसी का काम कर रहा है थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहा है और इसके लिए अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो जरूरी है देखो इनका जो स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट होगा ये दिखाने के लिए कि इनके उसको प्रूफ करने के लिए रिलेवेंट होगा लेकिन सेक्शन टेन में नहीं होगा सेक्शन थर्टी में हो सकता है रेड विद वन थर्टी थ्री में हो सकता है सेक्शन सिक्स में हो सकता है लेकिन सेक्शन टेन में नहीं होगा सेक्शन टेन बात करता है एक थ्योरी ऑफ एजेंसी की थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन की तो उसमें जो लोग कंटिन्यूसली जुड़े हैं टिल शुरुआत से लेकर एंड तक अगर वो चेन कंप्लीट है तभी सभी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ किए जाएंगे अगर कोई भी इंसान बीच से चला गया आपने वो वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि अगर तीन लोग मिलकर कंस्पायर करते हैं और उसके बाद जिस दिन रॉबरी करनी है उस दिन एक बंदे की टांग टूट जाती है तो वो नहीं जाता है तो उसकी लाइबिलिटी कम हो जाती उसकी सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ द ऑफेंस के लिए क्रिमिनल कॉन्सपेसी हो जाएगा बट कमीशन ऑफ द ऑफेंस के लिए नहीं होगा तो इसी तरीके से इसी तरीके से यहां पे ये समझाया गया क्योंकि क्योंकि जो चेन थी वो टूट गई है और थ्योरी ऑफ एजेंसी यहां पर अप्लाई नहीं होगी इसलिए सेक्शन टेन में ये रिलेवेंट नहीं होंगे लेकिन अगर कल को ये सवाल आता है कोर्ट के पास कि इस कॉन्स्पिरसी में अल्टीमेटली कितने लोग जुड़े थे

तो मैं आपको बताता हूं इसमें लिखा था अ स्टेटमेंट और अ कंडक्ट मेड बाय अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्पिरेटर आफ्टर ही हैड फर्स्ट एंटरटेन द इंटेंशन ये तो आप समझ ही गए हो ठीक है यहां पे है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग कॉन्स्परेसी एंड टू प्रूव दैट ही वॉज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्परेसीसी रेदर ऑल्सो टू प्रूव दैट एनी अदर मेंबर वॉज द मेंबर इवन दो ही हैड नॉट येट ज्वाइन और ही हैज लेफ्ट हाउ एवर एनी स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन हु हैज नॉट ज्वाइन और हुज लेफ्ट विल नॉट बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन टेन बट इट कैन बी रेलिवेंट अंडर अदर प्रोविजन ऑफ दिन तैतीस तीस और एक सौ तैतीस को साथ में पढ़ेंगे तब मैं इस केस को वापस से लेके आऊंगा और उसके साथ रिलेट करूंगा क्योंकि वो पूरा एक क्लास में करना मुश्किल था तो अभी आपको बस ये पॉइंट याद रखना है ठीक है तो अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया ये पॉइंट समझ में आ गया तीन समझ में आ गया चार समझ में आ गया तो ये बात आ गई, अब आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ अपने पास, उसके बाद आता है स्टेट ऑफ़ गुजरात वर्सेस मोहम्मद अतीक का केस इसमें कहा गया था कि एक बार इंटेंशन खत्म हो गई है या तो आपने कॉन्स्पिरेसी खत्म कर दी है या कॉन्स्पिरेसी अचीव हो गई है या तो कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गई है या कॉन्स्पिरसी तो अचीव हो गई है उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट जो है वो रिलेवेंट नहीं होंगे इसका ये मतलब हुआ कि अगर सारे लोग अरेस्ट हो गए उसके बाद पुलिस को कोई उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया मैजिस्ट्रेट को कोई कन्फेशन दिया या कॉन्स्परेसी खत्म होने के बाद पर्सनल कैपेसिटी में भी मान लीजिए आपने कन्फेशन दिया कि हमने उसको मारा है लेकिन आप मार के खत्म कर चुके हो कॉन्स्पेरेसी हैज बीन एंडेड अगर कॉन्स्पेरेसी हैज बीन एंडेड तो उसके बाद का दिया हुआ कोई भी स्टेटमेंट सेक्शन टेन में रिलेवेंट नहीं होगा यह बात समझाई गई थी स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज मोहम्मद अतीक में जहां कहा गया था हेल्ड वंस द कॉमन इंटेंशन सीजेस टू एग्जिस्ट एनी स्टेटमेंट मेड बाय अ फॉर्मर कॉन्स्पिरेटर दे आर आफ्टर कु नॉट बी रिगार्डेड एज वन मेड इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन क्योंकि कॉमन इंटेंशन अल्टीमेटली जो थी वो अचीव हो चुकी थी वो अचीव हो चुकी थी ठीक है अच्छा प्राइमा फेसाई केस के लिए भी इन्होंने समझाया था कि प्राइमा फेसाई केस कैसे देखा जाएगा इसके भी कहर सिंह और सीबीआई वर्सेस आई ये वीसी शुक्ला के केस हैं बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो अगर आप अगर अपन इसको समराइज़ करें अब इस पूरे सेक्शन टेन को समराइज़ करें तो सेक्शन टेन हमें क्या समझाता है अगर आप सेक्शन टेन का आंसर लिख रहे हो या आपको सेक्शन टेन की क्लैरिटी चाहिए तो सबसे पहले आप लिखोगे कि सेक्शन टेन कहता है कि अगर किसी भी इंसान ने क्या कहता है अगर कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड है कि दो या दो से अधिक लोग किसी भी कॉन्स्पेरेसी में इन्वॉल्व है मैंने आपको बता दिया है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये 120 ट्वेंटी ए वन बी की कॉन्स्पेरेसी हो ये टॉट की भी कॉन्स्पेरेसी हो सकती है यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी वर्ड नहीं यूज है एक्शनेबल रॉन्ग वर्ड यूज है इसका मतलब जो टॉट के अंदर कॉन्स्पेरेसी होती है जो क्रिमिनल लॉ में कॉन्स्पेरेसी थी दोनों ही तरह की कॉन्स्पेरेसी में सेक्शन टेन रिलेवेंट होता है सिर्फ वर्ड क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी नहीं यूज है तो इसका आंसर अगर आपको लिखना है सेक्शन टेन को तो आपको सबसे पहले ये लिखना है कि अगर कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि दो या दो से अधिक लोग एक कॉन्स्पेरे या एक्शनेबल रोंग के लिए अग्रीमेंट में हैं मतलब उन्होंने कंस्पायर किया टू कमिट एन ऑफेंस और एक्शनेबल रोंग इन दैट केस तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि प्राइमा फेस कोर्ट को लगना चाहिए कि दो या दो से अधिक लोग कोई ऑफेंस या एक्शनेबल रोंग करने के लिए कंस्पायर कर रहे हैं ये पहली रिक्वायरमेंट है दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि एनी स्टेटमेंट कंडक्ट और राइटिंग बाई एनी ऑफ द पर्सन विद रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन तो कॉमन इंटेंशन में आर वर्सिस ब्लेक का केस लिखेंगे कि अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया है दैट इज नॉट इन फर्दरेंस टू द कॉमन इंटेंशन सो दैट विल नॉट बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन टेन उसके बाद थर्ड पॉइंट आप ये लिखेंगे दैट थर्ड पॉइंट हमारा क्या था दैट शुड बी ये हो गया और थर्ड पॉइंट क्या था सच एज स्टेटमेंट आफ्टर द इंटेंशन हैज बीन एंटरटेन तो यहां पे आप लिखेंगे बिफोर द फॉर्मेशन द स्टेटमेंट मेड्स बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमन इंटेंशन आर नॉट रिलिवेंट आफ्टर अचीविंग द कॉन्स्पेरेसी और आफ्टर द सरेंडर ऑफ कॉन्स्पेरेसी द स्टेटमेंट माई मेड बाय द कॉन्स्पिरेटर आर नॉट रिलिवेंट अगेंस्ट द फेलो कॉन्स्पिरेटर्स ये आप लिखोगे और फिर आप ये लिखोगे इवन द स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी विच आर नॉट इन फर्दरेंस विद द कॉमन इंटेंशन क्शन टेन सो ओनली एंड ओनली दंड स्टेटमेंट कंडक्ट और क्या था यार तुम लोग के चक्कर में बार बार हम भूल जाते हैं ड्यूरिंग द कॉन्स्पेरे इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन इज रेलिवेंट अगेंस्ट द फेलो कॉन्स्परेटर वंस द कॉन्सपेरेसी हैज एंडेड और बिफोर द कॉन्सपेरेसी हैज स्टार्टेड any statement by the conspirator is not relevant in the ongoing conspiracy if any of the conspirator leaves the conspiracy any of his statement against the fellow conspirators is not relevant for the purpose of section 10 it can be relevant under other provisions okay वैन कैन एड स्टेटमेंट एंड राइटिंग ऑफ कॉन्स्परेटर भी यूज वही तो बता रहे हैं मोहक जी वैन देर इज तुम वही तो बताया है नहीं थक नहीं है अरे आपको समझ में आया कि नहीं यार फिर से देखते हैं यार तुम लोग समझ के जाना है यार आज कुछ भी हो जाए नहीं बस बहुत हो गया यार इतने दिन बाद एक तो हम पढ़ाने आए ऊपर से तुमको समझ में भी ना आए तो फिर क्या मतलब है आओ देखते हैं फिर से देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है दो घंटे हो जाए क्लास छः घंटे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है अब देखो सेक्शन टेन सेक्शन टेन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है प्रामा फैसाई एविडेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी ठीक है इसमें कहर सिंह का केस लिख लेना जो वहां पे मैंने लिखा है और सीबीआई वर्सेस वीसी शुक्ला वाला कहर सिंह का केस लिख लेना ठीक है पहला एसेंशियल ये है कि कोर्ट के पास प्राइमा फैसाई एविडेंस होना चाहिए कि आपकी कॉन्स्पिरसी हुई है दूसरा क्या होगा प्राइमा फैसाई एविडेंस होने के बाद दैट टू और मोर पर्सन अग्रीड फॉर ऑफेंस या फिर एक्शनेबल रॉन्ग एक्शनेबल रॉन्ग ठीक है एक्शनेबल रॉन्ग ये दूसरा हो गया एसेंशियल उसके बाद दूसरा हो गया तीसरा क्या होगा बताओ तीसरा क्या होगा तीसरा क्या होगा एनी थिंग सेड डन और रिटर्न बाय द कॉन्स्परेटर विद रेफरेंस टू विद रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन विद रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन विल बी रेलिवेंट ये बात कहा गया है आर वर्सेस ब्लैक में आर वर्सेस ब्लेक में ठीक है अब इसके आगे आप क्या लिखोगे चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट एनीथिंग सेड एनीथिंग सेड डन और रिटर्न बिफोर और आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी नॉट रिलेवेंट अंडर सेक्शन टेन बोलो ये लिखोगे ठीक है इसमें आप लिख ही चुके हो कि इन फर्दरेंस टू द कॉमन इंटेंशन होना चाहिए तो इसको भी आप समझा सकते हो उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या लिखोगे पांचवा पॉइंट लिखोगे इफ एनी कॉन्स्पिरेटर कॉन्स्पिरेटर विड्रॉज विड्रॉज हिस् स्टेटमेंट नॉट रेलिवेंट अंडर सेक्शन टेन बोलो समझ में आ गया अब बताओ ये सिनोपसिस नोट्स नहीं बन गए अब बताओ अगर मेरे पास ये पांच सेक्शन और इसमें वो वाला केस भी लिख लो अकबर वाला मिर्जा अकबर मिर्जा अकबर का केस लिख लो मिर्जा अकबर का केस लिख लो और एक वो जो गुरु नानक वाला भी केस बताया था वो वाला केस लिख लो तीन केस हो गए अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास ये सिनॉप्सिस नोट्स हैं और दस नंबर का क्वेश्चन आता है तो क्या मुझे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप टीचर होते तो क्या मुझे स... देखो बेटा यश जी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हिंदी हो सकती है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बट पॉइंट ये है कि मेरा भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश रहा है तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा हिंदी में समझाना लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ ना देखो पहला पॉइंट लिखा है कि प्रथम दर्शनीय केस अगर दिख रहा है कि लोगों ने कंस्पायर किया है उनके बीच में ये अग्रीमेंट था कि आप कोई भी ऑफेंस या कोई एक्शनेबल रॉन्ग करने वाले हो तो पहली चीज़ आपको ये देखनी है दूसरी दो या से दो से अधिक लोग ऑफेंस कर रहे हो या एक्शनेबल रोंग कर रहे हो तीसरा लिखा हुआ है कि कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में होना चाहिए अगर आपने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ किया है तो वो रिलेवेंट नहीं होगा आर वर्सेस ब्लैक में उसने पर्सनल कैपेसिटी में डायरी बनाई थी तो उसको रिलेवेंट नहीं माना गया था और उसके बाद सिंपल कहा गया एनीथिंग सेट डन आफ्टर आफ्टर और पहले वो रिलेवेंट नहीं होगा और अगर लोग हैं उसमें से किसी ने विड्रॉ कर लिया है तो वो भी रिलेवेंट नहीं होगा ये पूरा आंसर है यार ये कंप्लीट आंसर है इतना लिख दोगे एक भी नंबर नहीं कटेगा याद हो गया कि नहीं यार अब तो साथ साथ में याद होना चाहिए सेक्शन टेन यार अभी तो क्या बचा ये पॉइंट नहीं भी लिखोगे ये तो डीजेएस का सवाल था तो मैंने इसको इसमें लगा दिया वरना ना भी लगाते तो काम चल जाता बोलो का पूछे पर्सनल कैपेसिटी रितु जी मैंने समझाया ना जैसे पर्सनल कैपेसिटी का मतलब यह है कि मान लो मैं कॉन्स्पिरसी कर रहा हूं मैं रात को 11 बजे के बाद मैं क्लास खत्म होने के बाद कंस्पिरेसी करता हूं तो क्या मुझे यह बताओ कि मेरे द्वारा क्लास में जो पढ़ाया गया वो एक रिलेवेंट फैक्ट होगा नहीं होगा इसका मतलब यह होता है इसका यह मतलब है ऋतु जी सिंपल भाषा में कि अगर मैं किसी कंस्पिरेसी के लिए मुझे कोई भी स्टेटमेंट रिलेवेंट करना है तो दैट शुड बी इन फर्दरेंस टू द कॉमन इंटेंशन जो हम अचीव करना चाह रहे थे ठीक है जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं यार प्लीज शुरुआत से देख लेना बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है सेक्शन टेन से रिलेटेड एक एक बात एक एक बात आपको यहाँ समझा दिए मिर्जा अकबर का केस जीवन भर नहीं भूलोगे आर वर्सेस ब्लैक का केस जिनम जीवन भर नहीं भूलोगे ठीक है और उसके बाद एक गुरु नानक वाला केस था वो भी होपफुली आप जो है नहीं भूलोगे मिर्जा अकबर स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज मोहम्मद गुरु नानक नहीं सॉरी स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज मोहम्मद अतीक मिर्जा अकबर वर्सेस एम्पर ये हो गया उसके बाद आर वर्सेस ब्लेक तो भूलोगे ही नहीं कहर सिंह और सीबीआई वर्सेस वीसी शुक्ला में ये बताया गया था कि सिर्फ प्राइमा एविडेंस चाहिए पूरी कॉन्स्पिसी प्रूव करने की जरूरत नहीं है ठीक है इतना कर लो यार पूरा नंबर आएगा ठीक है वीडियो अच्छा लगा हो तो सब लोग कमेंट करेंगे लाइक करेंगे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उसके अलावा इसकी जो पी है वो आपको टेलीग्राम हैंडल पर मिल जाएगी देवशीष पांडे फॉर जुडिशरी या देवशीष पांडे ऑफिशियल ये सूट पहन के मेरा फ़ोटो लगा इसमें कर लेना ठीक है और इंस्टाग्राम देवाशीश लॉ टेन है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो स्कैन कर सकते हो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर जाना इंस्टाग्राम तो कोई ऐसे मैं खास रील्स वगैरह नहीं बनाता हूँ कि तुम्हें देखना पड़े लेकिन टेलीग्राम में क्या होता है ना पी वगैरह मिल जाती हैं आपको जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ डेली की पी भेज देता हूँ कोई नहीं बोल सकता कि सर पी नहीं आती है डेली पी आती है मेरा नाम डालोगे देवाशीष तो देखो ये ये वाला ग्रुप आएगा देवशीर्ष पांडे ऑफिशियल ठीक है तो देवशीष पांडे ऑफिशियल में जाओगे तो देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आती रहती हैं लेक्चर आ गया है बैच के बारे में है एक तो बच्चे सवाल भेजते रहते हैं एक तो तुम लोग से यार हजार बार का अगर सवाल भेजा करो तो सवाल मेरे लिए भेज रहे हो तो क्या नाम है मैं आंसर कर दूंगा कोई सवाल भेजता है उसके बाद सब लोग आंसर करने लगते हैं उसी में फिर आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं अरे थोड़ा समय दे दो मैं देख के आंसर कर दूंगा और उसके बाद तुम लोग आपस में ही करते रहते हो तो यहाँ पे सब कुछ हो जाता है क्वेश्चन ऑफ द डे भी आता है थोड़ा बहुत प्रमोशन भी हो जाता है पीपीटी वगैरह भी भेजते रहते हैं पोल वोल होता रहता है तो आपको काम आएगा ठीक है तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको बतानी थी कि बैच जो है ये बैच शुरू हो रहा है कोई मेजर लॉ ही पढ़ाएंगे हम तो फटाफट से ज्वाइन कर लो ठीक है सर एविडेंस वापस से पढ़कर आपसे दिल खुश हो गया सर याद और समझ दोनों आ गया वेरी गुड आप इस डीपी में लिटरली जज वाली फीलिंग दे रहे हो अच्छा थैंक यू इसमें तो मेरे बाल खराब आए थे थोड़ा बैड हेयर डे था मेरा अभी बाल सही है ऐसे खड़े हो जाता हूँ ठीक है यस yes. ठीक है चलो यूज कर लेना डीएसपी कोड ठीक है चलो बाय एवरीवन थैंक यू सो मच इट इट्स रियली नाइस यू कल फिर से मिलेंगे कल सेक्शन 11 करेंगे कल 11 करते हैं 11 भी हो सकता है 12 भी हो सकता है दोनों सेक्शंस कर सकते हैं एक बार देखते हैं कल क्या करना है और उसके बाद फिर एडमिशन और कन्फेशन पे जंप करेंगे लेकिन आते रहो यार लाइव आते रहो यार नो सर टूडे हाँ आज तो आई हैव अ गुड हेयर डे जब फोटो खिंचवाई थी तब आई हैड अ बैड हेयर डे अभी तो मैं स्मार्ट लग रहा हूँ ठीक है सर जजमेंट राइटिंग की क्लासेस प्लान करते हैं प्लान करते हैं बहुत कुछ करना है यार क्या करें दिन में एक पे वो हो जाती है बैकहेंड की क्लास हो जाती है फिर एक ही क्लास हो जाती है इतनी सारी चीज़ें प्लान की हुई हैं मैंने आप लोगों के लिए लेकिन वही है कि समय मिलेगा तो ज़रूर करेंगे कुछ बहुत तगड़ी तगड़ी सीरीज लेके आने वाला हूँ जुड़े रहो कमेंट करना ठीक है चलो बाबा बाय एवरीवन गुड नाइट टेक केयर रात्रि एंड जय हिंद